मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, द हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, सो द पेज नंबर इज 10, यू कैन सी पेज नंबर 10 एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट इट. देर आर 7 पॉइंट्स हियर इन दिस लेसन. हरप्पन सिविलाइजेशन, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग. हरप्पन सिविलाइजेशन क्या है? हरप्पा, इट इज द नेम ऑफ अ सिटी. इट इज वेरी एंशंट सिटी. एंशंट यानी बहुत ही प्राचीन काल में ये सिटी जो है वो हमें इसका इसकी खोज हुई. ओके, तो वहां की संस्कृति, सिविलाइजेशन यानी वहां का रहन सहन, वहां की संस्कृति, वो कैसे रहते थे, घर कैसे थे, वो सब उसमें आता है. तो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, उनका हाउसिंग कैसे था, घर कैसा रहता था, टाउन यानी उनका गांव, शहर जो भी होगा वो कैसा था, सिल्स एंड पॉट्स, उनके सिल्स कैसे थे, पॉट कैसे थे, क्या यूज करते थे वो, द ग्रेट बाथ, और वो नहाते कैसे थे, कहाँ पे नहाते थे, वो सब. देन लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, वहाँ का जीवन कैसा था, ट्रेड, ट्रेड एंड गिव एंड, ट्रेड मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक, जो व्यापार होता था वहां पे, लेना देना होता था, वो कैसे होता था. रीजंस फॉर डिक्लाइन, यानी ये खत्म क्यों हुई, ये सिविलाइजेशन जो थी हरप्पन, ये खत्म क्यों हुई, तो इसके कारण क्या थे, ये सब हम इसमें अभी पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. शो द साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे है, हरप्पा सिटी कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर है ना, दिख रहा है आपको, पाकिस्तान में जा रहा है ये अभी, है ना, अभी पाकिस्तान में है. और मोहनजोदारो भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक एंशंट सिविलाइजेशन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है कि वो कहाँ पे है. तो ये पाकिस्तान में आता है अभी, तो उस जमाने में पाकिस्तान, इंडिया सब एक ही था, है ना, पर अभी वो अलग अलग हो चुके हैं. तो हरप्पा दिख रहा है आपको, यहाँ पे है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. हरप्पन सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन फर्स्ट बिगैन इन 1921 CE एट हरप्पा इन द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. आपको ये याद रखना है कि हरप्पा कहाँ पे है, पंजाब में, और पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, और रिवर रावी जो है, उस रिवर रावी के किनारे ये हरप्पा शहर जो है वो बसा हुआ है. ओके, और ये जो खुदाई हुई थी यहाँ पे हरप्पा शहर में, जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई में हमें बहुत सारी चीजें मिली, जिसके जरिए हम प्राचीन जो संस्कृति थी, वहां का रहन सहन था, इसके बारे में हमें पता चला है. कब हुआ था ये? 1921 CE. ओके, CE मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन एरा. दैट इज हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन. और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि हरप्पा में, पंजाब में जो हरप्पा शहर है, वहां पे ये खुदाई हुई थी. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन. इसे और एक नाम है, इंडस सिविलाइजेशन. बच्चों, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है ना, उसको अंडरलाइन किया करो. जैसे रिवर रावी, पंजाब, ये आपको पता होना जरूरी है, फोकस में आना जरूरी है. इसको हाईलाइट की करो, या हाईलाइटर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल से इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब आप पढ़े तो उसकी तरफ फोकस हो जाए. Excavations were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 km to the south of Harappa in the Indus Valley. Excavation जो है, यानी खुदाई जो बोलते हैं ना, वो Mohenjo-daro में भी हुआ था. मैंने दिखाया आपको Mohenjo-daro कहाँ पे है. A place where place about 650 km, यानी हरप्पा से लेकर, ये जो हरप्पा है, यहाँ से लेकर Mohenjo-daro तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, और इंडस वैली में ही, सॉरी एक मिनट,
हाँ इंडस वैली में ही है. देर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द टू प्लेसेस. इन दोनों जगह पे जो जो चीजें मिली थी खुदाई में वो लगभग सेम ही थी. सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, डायमाबाद, डायमाबाद एक्सेट्रा. तो इन चीज यहाँ पे भी जो खुदाई हुई थी हर जगह पे एक जैसी ही चीजें दिखाई दी या मिली. ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज. जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो हर जगह पे जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ पे मतलब खुदाई हुई थी तो सारी जगह की प्लेसेस जो थी वो पूरी एक जैसी ही लगी. These include town planning, roads, construction of houses, drainage system, seals, pots, toys and burials, customs. तो इसमें क्या क्या चीजें थी जो सेम सेम थी. वहां का जो टाउन प्लानिंग था, टाउन जैसे शहर में आप देखोगे कि रोड कैसे रहते हैं, कहीं पे पैरेलल ऐसे रोड रहते हैं, फिर यहाँ पे घर रहते हैं, है ना, यहाँ यहाँ घर रहते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस आता है ना, तो इस तरफ घर रहते हैं, फिर से रास्ता आता है, ये इस तरह का, इसे बोलते हैं टाउन प्लानिंग. तो यहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था, वहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसा था, घर का घर कैसे बनाए जाते थे, वहाँ के रोड कैसे थे, ड्रेनेज यानी पानी जो बहता है, हम लोग पानी जो यूज करते हैं तो वो नाली में से या कहाँ पे जाता था वो पानी, किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम था, फिर सील्स कैसे थे तब के, पॉट कैसे यूज होते थे, टॉयज कौन से यूज होते थे, और बरियल कस्टम्स. बरियल यानी इंसान मरने के बाद उसको जो दफनाया जाता है उसे बोलते हैं बरियल, तो वो कैसे किया जाता था, ये सब इसमें, इन सब चीजों में एक सिमिलैरिटी थी. यानी हर जगह पे एक जैसा ही ये सब था. यानी जैसे हरप्पा है, मोहनजोदड़ो है, और भी दो चार प्लेसेस जो बताई है, उन हर जगह पे इन सब चीजों में सिमिलैरिटीज दिखाई दी, खुदाई में दिखाई दिया कि ये सब चीजें एक जैसी ही है हर जगह पे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वहां का हाउसिंग कैसा था और टाउन प्लानिंग कैसा था. द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली बिल्ट विथ बेक्ड ब्रिक्स. अब देखिए वहां के घर जो थे और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता था घर का, तो वो बाकी के मतलब जो भी और बिल्डिंग्स होती होंगी, घर होते होंगे, वो कैसे थे, किससे बनाए जाते थे, ब्रिक्स से. बेक्ड यानी जो सेक कर ब्रिक्स बनाई जाती है. आपने देखा होगा ईंट कैसे बनाते हैं, बहुत से जगह पे ईंट बनाने का आउटर साइड में नागपुर में भी हमने देखा है कि बहुत जगह पे होता है. तो ब्रिक्स कैसे बनते हैं, उसे सेका जाता है भट्टी में और फिर उसको बनाया जाता है. तो ऐसी ही ब्रिक्स उस जमाने में भी यूज होती थी. इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर आल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. कहीं कहीं पे अनबेक्ड भी ब्रिक्स यूज करते थे जिसको सेका नहीं जाता था, ऐसे भी ब्रिक्स यूज करते थे. ईटे ब्रिक्स यानी क्या होता है, ईट, और स्टोन्स से घर बनाया जाता था. द हाउसेस हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड. और हाउसेस में क्या होता था, रूम्स होते थे और सेंट्रल कोर्ट यार्ड बीच में आंगन टाइप रहता था और आजू बाजू में रूम्स रहते थे. द हाउसेस हैड वेल्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स. घर में कुआ होता था, बाथरूम यानी नहाने के लिए अलग से छोटी सी रूम बनाई जाती थी, टॉयलेट्स होते थे. यानी अभी हम जो जिस तरह का घर हमारा होता है वैसे ही घर उस समय भी होते थे. There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used. तो अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसा था और उसमें भी मट्टी का सेका हुआ आउटलेट बोल सकते हैं उसे यूज करते थे. The streets had covered drains built with bricks. और जो रास्ते होते थे वो ड्रेनेज के ऊपर रास्ते बनाए जाते थे और उसको ब्रिक्स से पूरा कवर किया जाता था. दिस शोज ग्रेट कॉन्सर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ. और इससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में भी कितनी पब्लिक हेल्थ की चिंता होती थी
और कितना उसका ख्याल रखा जाता था. द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न. और जो स्ट्रीट्स होते थे वो ब्रॉड होते थे. आप यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं, आप देख सकते हो, बड़े बड़े रास्ते होते थे और ग्रिड पैटर्न होता था उसमें. हाउसेस वेर बिल्ट इन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय देम. और घर जो होते थे वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते थे, यानी ऐसे रेक्टेंगुलर साइज में होते थे. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन विल अराइज इफ द ड्रेन्स आर नॉट कवर्ड. अगर ड्रेन्स को हम कवर नहीं करेंगे, नाली, ड्रेन यानी क्या, जो नाली होती है जिसमें से गंदा पानी बाहर जाता है हमारे घर से, वो अगर कवर किया हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसमें मच्छर होंगे, कीड़े होंगे और उससे बीमारियां फैलेगी, स्मेल आएगी गंदी, तो ये सब उसका हो सकता, उसके कारण हो सकता है. The towns were divided into two or more sections and each section had separate fortification. Towns जो थे दो तीन या दो से ज्यादा sections में उनको divide किया हुआ था और हर section को एक अलग fortification होता था. अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है करने के लिए. Cut a potato into half. दो पोटैटो को दो हाफ में कट करना है. कार्व आउट सम लेटर्स और फिगर्स ऑन द कट सरफेसेस यूजिंग अ नेल. अब आपको क्या करना है, उस पे कुछ लेटर्स कार्व करने हैं. जैसे एक पोटैटो लो, उसको हाफ कट करो और फिर कीले से या कोई भी शार्प चीज लेकर आप कर सकते हो, उसके अंदर ना ऐसे लेटर, जैसे एस, ये पोटैटो है सपोज, पोटैटो नहीं लाई हो नहीं तो मैं बता देती थी आपको, जैसे ये हाफ कट पोटैटो है, ठीक है, इसके ऊपर आप किले से या पेन से भी, ये देखो नोक से भी आप कर सकते हो ऐसे. सपोज मेरा एस मैं यहाँ पे कार्व कर रही हूँ, ऐसे कार्व करना है. डीप द सरफेस इनटू इंक और कलर एंड देन प्रेस इट. वो जो सरफेस है उसको आप प्रेस कर सकते हो किसी भी इंक पैड पर वगैरह, और किसी भी पेपर पर अगर उसको उल्टा रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये जो लेटर है वो उस पेपर के ऊपर ऐसे छप जाएगा. तो ये क्या था, ये एक तरह का सील बनाने का उनका स्ट्रक्चर था. यानी सील बना कैसे बनाते हैं, तो हम घर पे भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके सील बना सकते हैं. ओके, तो ये जो सील और पॉट्स वाला पॉइंट जो है मैं अगले वीडियो में आपको समझा देती हूँ. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.